नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, आपके पास कोई भी सिम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं बिल्कुल ही, तो ऐसे में आपको करना क्या होगा मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर कोड्स भी आपको बताऊंगा जिन कोड की मदद से आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी, या फिर आपके सिग्नल्स बिल्कुल ही नहीं आते या फिर एक दो जो है नेटवर्क ही आता है आपके मोबाइल में, तो ऐसे में जो है कोई भी सिम हो आपके पास आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम आज मैं दूर करने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं हमें क्या करना होगा। गाइस सबसे पहले मैं आपको एक कोड बता देता हूं। गाइस आपको चेक करना होगा ये जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल की वजह से आ रही है या फिर आपकी सिम में कोई खराबी है, तो जान लेते हैं हमें क्या करना होगा उसको पता करने के लिए। यहां पर सबसे पहले हमें *#*#6463 और यहां पर *# और फिर से ##, और एक बार और फिर से *#, यहां पर टैप कर देना है। यहां से ध्यान से आप एक बार कोड देख लीजिएगा और यहां पर मैं फिर से *# टैप करता हूं। जैसे ही आप *# टैप करोगे यहां पर जो है ये कोड डालते ही आपके सामने स्क्रीन निकल कर आएगी। यहां पर आपको करना क्या है, सिम डिटेक्ट का ऑप्शन है, यहां पर सिम डिटेक्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सिम वन में डिटेक्ट फेल आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने सिम वन में सिम नहीं डाल रखी है गाइज। अब यहां पर पास आ रहा है सिम टू में, और यहां पर क्योंकि मैंने सिम भी डाल रखी है तो इसलिए यहां पर पास आ रहा है। अगर मैंने सिम नहीं डाल रखी होती और डाल रखी होती गाइज तो यहां पर फेल दिखाता, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे सिम में कमी है। तो यहां पर मैंने डाल रखी है, पास आया हुआ है, तो मतलब कि मेरी सिम एकदम ओके है। तो उसके बाद जो आपको करना क्या है, बैक आ जाना है, और फिर आपको करना क्या है, अगर आपके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आपको एक और कोड डायल करना होगा। यहां पर टैप करना है आपको *#*#, और यहां पर 4636###, फिर से यहां पर *# टैप कर देना है। यहां पर कोड आप ध्यान से देख लीजिएगा गाइज। जैसे मैं यहां पर ये कोड डायल करता हूं उसके बाद ये सेटिंग आपके सामने निकल कर आएगी। अब आप यहां से अपना जो सिम है, जिस भी आपकी सिम में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर मैंने फोन इंफॉर्मेशन 2 में अपनी सिम डाल रखे स्लॉट 2 में, तो यहां पर फोन इंफॉर्मेशन 2 में सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पर आपके सामने आपकी पूरी डिटेल निकल कर आ जाएगी गाइज। अब यहां पर आपको करना क्या है, आपको यहां पर देखने को मिलेगा मोबाइल रेडियो पावर का ऑप्शन। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे यहां पर ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और यहां पर आप देख पाएंगे SMSC, यहां पर अपडेट और रिफ्रेश का ऑप्शन है, यहां पर आप क्लिक करिएगा रिफ्रेश पर, ठीक है, और देख लीजिएगा आपके नेटवर्क आते हैं या नहीं आते हैं। उसके बाद यहां पर आप देखिएगा मोबाइल रेडियो पावर ऑफ का ऑप्शन है, यहां पर ये ऑफ है, ठीक है। अगर आपका ऑफ नहीं है, ऑन है, तो भी आप उसको जो है एक बार आप जो है ऑफ करके फिर से ऑन करिएगा। यहां पर मेरा ऑफ है तो मैं इसको ऑन कर देता हूं। यहां पर आप देखिएगा मेरे नेटवर्क आ जाएंगे गाइज, मैंने ऑन कर दिया है, देख सकते हैं आप यहां पर मेरे नेटवर्क आ चुके हैं ऑन करते ही, जैसे मैं इस कोड का यूज करता हूं इस सेटिंग में आता हूं। तो यहां पर ऑन हुआ दोस्तों, अगर आपका ऑन है तो उसको एक बार ऑफ कर देते हैं। यहां से आप जो है फिर से, अगर आपका ऑन है तो उसको ऑफ जरूर कर दीजिएगा और फिर से जो है इसको ऑन कर लीजिएगा। यहां से मैंने ऑफ कर दिया है तो नेटवर्क चले गए हैं, ऑन करता हूं फिर से जो है नेटवर्क आ जाएंगे गाइस। अगर आपको जो है वोल्टी से रिलेटेड की आपकी कॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसका भी आप जो है यहां पर वोल्टी ऑन कर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं मैंने ऑन किया, मेरे नेटवर्क आ चुके हैं। तो यहां पर आपका नेटवर्क का इश्यू यहां से ठीक हो जाएगा गाइज। अगर इस जो है यहां इन कोड का यूज करने से नहीं होता है तो उसके बाद भी आपको बता देता हूं। यहां पर जो है डायरेक्टली आपको सेटिंग में आ जाना है गाइज। सेटिंग में आने के बाद आप जो है यहां पर अपना सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क को सिलेक्ट करिए। उसके बाद यहां पर अपनी जियो सिम आपको दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहां पर एक्सेस पॉइंट नेम अपना दिख रहा है आपको दोस्तों, यहां पर आइए और यहां पर रीसेट का ऑप्शन है गाइज, एक बार रीसेट कर दीजिए। रीसेट करने के बाद जो है यहां पर देख सकते हैं ये आपकी APN सेटिंग है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए फिर से और बैक आ जाइए, या फिर आप जो APN सेटिंग को अपने तरीके से कोई देखकर वो भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर उसके बाद आपको आना है मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करिए, और यहां पर जो है आपको ऑटोमेटिकली आपको जो नेटवर्क होगा वो सिलेक्ट होगा, क्योंकि आप जब कभी किसी दूसरी सिटी में जाते हैं, अपनी स्टेट से बाहर जाते हैं, तो वहां का जो नेटवर्क अपने आप ही चेंज हो जाता है, अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली जब आप अपने जो है स्टेट से बाहर जाते हैं। तो यहां पर जो आपको करना क्या है गाइज,
और मैन्युअली आपको जो है अपना नेटवर्क यहां पर सर्च करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर सर्चिंग चालू है, थोड़ा टाइम तक यहां पर सर्च करेगा, फिर उसके बाद जो है आपके जो नेटवर्क से निकल कर आ जाएंगे। सपोज कर लीजिए मेरा जियो का सिम है, तो यहां पर मैं जियो की सिम से रिलेटेड नेटवर्क यहां पर सिलेक्ट कर लूंगा। मैं आपको दिखाने वाला हूं, यहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम इसको सर्च होने देते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं मेरे मोबाइल जो है यहाँ पर डिटेक्ट हो चुके हैं नेटवर्क, तो यहाँ पर मेरी जियो की सिम है, तो जियो 4G है, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी वोडाफोन या वोडाफोन की है, आइडिया एयरटेल की है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियो की है तो मैं यहाँ पर मैनुअली अपना जो है नेटवर्क सिलेक्ट कर लिया है मैंने। जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेक्ट नेटवर्क ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑफ है, मैंने मैनुअली यहाँ पर सर्च किया है, तो बैक आ जाएंगे। बस इतना कर लीजिए गाइज, आपके जो नेटवर्क है आ जाएंगे। अगर फिर भी नहीं आते तो सिंपल से अपने मोबाइल को एक बार रिबूट कर लीजिए गाइज, बंद करके ऑफ कर लीजिए, ऑप्शन आ जाता है, या फिर रिबूट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भी नहीं आते तो एक और काम कर सकते हैं आप, अपना एयरप्लेन मोड जो है उसको ऑन ऑफ कर लीजिए। यहां पर एयरप्लेन मोड देख सकते हैं, इसको ऑन करिए, देख सकते हैं नेटवर्क चले गए हैं, और इसको फिर से ऑन ऑफ कर दीजिए, यहां पर फिर से नेटवर्क आपके आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं आ चुके हैं। बस इतना काम कर लीजिए गाइज, आपकी प्रॉब्लम नेटवर्क से रिलेटेड ठीक हो जाएगी, आपके सिग्नल स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाएगी, और आपके जो सिग्नल्स हैं वो कम आते हैं तो वो भी ठीक हो जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही गाइज, होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।